जी आज मैं आपको एक हर्बल सूप बनाने का बता रही हूँ। उसमें जो है जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी वो मैं आपको बताती हूँ। ये जो है ये मैंने दराज से ही मंगवाया है। ये सूप बेस है, ये सूप बेस है और इसमें क्रिस्टल वाली भी होती है और दूसरी भी। तो मैंने मंगवाई तो मैंने क्रिस्टल में थी, ट्रांसपेरेंट वो होती है उस, लेकिन उन्होंने ये दूसरी भेज दी है। बहरहाल मैं इसको भी कर रही हूँ। आप बेहतर होगा कि या तो ट्रांसपेरेंट में मंगवा लें, और अगर वो नहीं तो जो पियर सोप है वो एक टिकिया उसकी ले लें, ठीक है। इसके अलावा मैं इसमें डालूँगी जी ये एलोवेरा ऑयल है, ये जो है वो आर्गन ऑयल है, ठीक है, आर्गन ऑयल है। ये बालों के लिए, ये वो है जी, बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है और स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। फिर ये है ओओबा ऑयल, ठीक है, इसके अलावा अब ये हम डालेंगे पम्पकिन ऑयल है, ये फेस के लिए स्किन के लिए बहुत अच्छा है। ये जो है लेमन ऑयल डाल रहे हैं, आपको पता है फेयरनेस के लिए और विटामिन सी कितना अच्छा होता है, और इसके अलावा उसकी खुशबू भी बीच में बहुत अच्छी होती है, ठीक है। अच्छा और इसके अलावा ये चावल का आटा है, ठीक है, जो कि हम इसमें डालेंगे। सबसे पहले पॉज करो, सबसे पहले हम ये, मैं साबुन को काट रही हूँ, ठीक है। ये जो सोप बेस है वो मैं काट के इस पे डाल रही हूँ। आप अगर पियर सोप ले रहे हैं तो उसके भी कुछ पीसेस काट के इसमें डाल लें, और या तो डबल बॉयलर में इसको गर्म कर लें, वरना आप 30 सेकेंड्स पे आप माइक्रोवेव ओवन में इसको गर्म कर लें। ये हमने अब इसको गर्म कर लिया, ठीक है, और अब आपने काम जल्दी करना है वरना ये बहुत जल्दी जमना शुरू हो जाता है। हम अगर तो आपकी ऑयली स्किन है तो आप ये थोड़ा सा ज़्यादा चावल का पाउडर डालें, और अगर आपकी स्किन जो है वो ड्राई है तो फिर बहुत कम डालें या ना भी डालें, ठीक है। ये हमने चावल का पाउडर डाला, अब जो है हम बाकी सारी चीज़ें इसमें डालते जाएंगे। लेमन ऑयल है ये, इसके देखिए मैं 5 कतरे डालूंगी, 1 2 3 4 5। फिर ओवा ऑयल है, ये स्किन के लिए बहुत अच्छा है, बहुत ही सॉफ्ट करता है स्किन को और मॉइस्चर देता है। इसके मैं 10 कतरे डालूंगी, आधा ड्रॉपर तकरीबन मैंने डाला है एलोवेरा ऑयल। ये जो है आपकी स्किन को डिफरेंट एलर्जीज से बचाता है, और इसके अलावा आपकी स्किन पे के लिए बहुत अच्छा है। 1 2 3 4 5 कतरे मैंने इसके डाले हैं, पॉज कर जी। ये आर्गन ऑयल है, इसका मैंने आधा ड्रॉपर डाल दिया, तकरीबन 10 कतरे। और ये पम्पकिन ऑयल, ये भी मैं आधा ड्रॉपर डालूंगी। ये सारे मैंने एसेंशियल ऑयल इसमें डाल दिए, और अब मैं इसको अच्छा सा मिक्स करूंगी। अब ये सिलिकॉन मैंने ये लिया हुआ है ट्रे,
इसमें जो है मैं ये डालूँगी, इस जो मैंने ये बनाया ये जम रहा है इसलिए मैं जल्दी जल्दी डालूँगी। इसमें डिफरेंट शेप्स हैं, हम इसमें ये होगा कि डिफरेंट शेप के जो है वो साबुन आपका तैयार होगा। ठीक है, स्टॉप करो। ये आप अब आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दें या आप फ्रिज के बगैर भी रख दें तो थोड़ी देर में ये जम जाएगा। ठीक है, जब ये जम जाए तो आपका फिर साबुन तैयार है, आप इस्तेमाल करें और अपने फ्रेंड्स को दें। अपने आपका अगर सैलून है तो आप उसमें ये सेल भी कर सकते हैं। ठीक हो गया, अब हम आपको आधे घंटे के बाद दिखाते हैं। ये अब आधे घंटे तक ठंडा हो गया है और ये देखिए ये हमारे बहुत आसानी से ये निकल जाते हैं और डिफरेंट शेप्स में हमारे ये सोप रेडी हो गए। ठीक है, और इनकी खुशबू भी बहुत प्यारी है और इंशाल्लाह आप यूज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छी। ओके, थैंक यू।